एज वी आर इन उत्तराखंड, तो हमारा ट्रैवल जारी है और हम काफ़ी सारी ट्रैवलिंग कर रहे हैं विद इन उत्तराखंड। एंड कल ही हम लोग हिमानी के गांव डोबा गए, जहां हमें कुछ काफ़ी पुरानी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। इनमें से कुछ चीज़ें 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी, यहां तक कि गांव का हमारा एक ढाई मंजिला घर भी। ढाई मंजिला सुन के अजीब लगता है, क्योंकि अभी तक हमने दो मंजिला या तीन मंजिला घर सुना है, पर इसके ऊपर भी एक कहानी है और सच्चाई भी। पर इस व्लॉग में आपको काफ़ी सारी पहाड़ों के गांव से जुड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक चीज़ ने काफ़ी हैरान किया था, जहां एक घड़े को देखकर लगा था कहीं इस बड़े घड़े का खली सर से तो कोई कनेक्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं था। और इस घड़े की पूरी स्टोरी जानने के लिए ये ब्लॉग आपको एंड तक देखना पड़ेगा, जहाँ मिस्टर चंद्रदत्त तिवारी, जो हमारे चाचा जी हैं, वो बताते हैं इस घड़े के राज। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, अभी प्लान हो रहा है गांव की तरफ निकलने का, और वो आप देख सकते हैं सामने क्या नज़ारे हैं। आज थोड़ी धूप निकल गई है, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। और ये घोस्ट आराम कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो रेडी है, रेडी टू गो, रेडी। तो घर से निकल गए हम लोग टूवर्ड्स द गांव डोबा। डोबा जा रहे हैं ना? डोबा, ओके। और ये अनुज, और ये है हमारी कोको, उसकी क्लिप देखिए आप क्या मस्त लग रही है। ना ना चल, ये है भाई अल्मोड़ा की बाजार। एंड ये हम पहुंच चुके हैं होटल शिवालिक के पास, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड होटल हियर, जो बिल्कुल मार्केट के पास है, तो आप इस पर ज़रूर आइए। एंड द बेस्ट थिंग इज आपको पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे। खड़ी है भाई अपनी टियागो, एंड ये खड़ी है अपनी नेक्सॉन। सो अभी हम लोग सब लोग गाँव की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। ये कोको कहाँ, देखो कहाँ, ये कोको जो है बाहर निकली हुई है। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे जब भी ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवलर है कोको। लाल वाला क्या था? लाल वाला वो देखा ना, ये लाल वाला एनर्जी ड्रिंक है क्या? ये स्टिंग, नींद नहीं आती इससे। और ये कोको मामा। सो कोक पेप्सी लेके भाई अब निकलने का टाइम आ गया है। हिमानी पता नहीं क्या क्या लेके आ रही है, कोक और क्या क्या भरा हुआ है, और कोको फुल मज़े में, और मैं अब गाड़ी चलाता हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं कोको, कोको मामा, खतरनाक डॉगी मामा। मामा कैसा लगा तेरे को कोको को देख के? नीचे गिर गया कैसे? बढ़िया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह थैंक यू। ये इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ बाहरी बाहर रिनोवेट किया है, बस अंदर वैसा का वैसा ही है। बढ़िया। किधर जाना है? आओ। नाम आपको बताइयो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे बढ़िया आ रही है, इधर तो कहाँ, इधर तो बढ़िया आ रही है। हाँ, पर फैन भी चला रखी है। आपको चलो चलो, अभी हम लोग छत घूम के आते हैं, देखते हैं भाई छत पे कैसा है व्यू नजारा। हमारे उधर से ये देखिए छत, छत में फिर एक और ये हुआ है रूम। अरे भाई साहब ये देखो, यहाँ पे खड़ा रखा हुआ है पुरानी सदी का, जो आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। तो ये देखिए खड़ा, कितना बड़ा खड़ा है ये भाई, ग्रेट खली का खड़ा लग रहा है ये तो। हैं? ग्रेट खली आया था क्या? नहीं, हमारे दादाजी के टाइम का है, पर दादाजी के टाइम का। कौन कौन नहीं, लेकिन सब पानी कौन पीता था? पानी नहीं, इसमें गांव वालों का खाना बनते थे, इसमें इसमें चावल या फिर दाल ये सब चीजें बनती थी। अच्छा, मुझे लगा पानी का घड़ा इतना बड़ा है। नहीं, 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 नहीं।
क्या बना है? नींबू पानी। लो भाई नींबू पानी पियो। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। शो मुझे। आइए अंकल, रान जी तो आ चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने भी देख लिया, मैं तो ओम हरिओम। खली का ग्लास। हाँ अंदर खली का ग्लास देखना भी। खली का? खलियों से पानी पीता है, द ग्रेट खली। खुलेगा तहखाना और यहाँ आपको दिखेगा खली का ग्लास। अब इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। क्या जानना चाहते हैं? मजाक की बातें हट के, ये पुराने जमाने में गांव में जो भी बड़े बड़े काम हुआ करते थे, शादी हो या और भंडारा एक होता है, तो उसमें इस कांसे के बर्तन में दाल बनाई जाती थी। अच्छा, लेकिन ये बहुत भारी होगा ना? बिल्कुल भारी है ये, करीब करीब। हाँ भाई साहब, उठ तो जा रहा है वैसे। हाँ, ये करीब करीब होगा 30 किलो का तो होगा, 25 किलो का होगा। और इसकी बनी हुई दाल आप उसमें कोई मसाला मत मिलाइए, उसका जो टेस्ट होता है इस कांसे के जो जो तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो, हाँ, तत्व अंग्रेजी में मिनरल्स, वो दाल के साथ मिक्स होके टेस्ट पैदा करते हैं। तो बिगर किसी ताम झाम या मसाले वसाले डाल के खाली आप हल्दी डाल दें, सिर्फ हल्दी, धनिया भी नहीं, तो भी दाल का टेस्ट ऐसा होता था कि लोग हाथ चाटते रहते। आज की तारीख में भी अगर इसमें बनाए जाए, छोटे छोटे बर्तन होते हैं आज के ज़माने में जो घरों में, ये तो होता है सामूहिक कार्य के लिए, लेकिन घरों में अमूमन हर एक के घर में इस तरह के छोटे छोटे कांसे के बर्तन हैं और बनाते भी हैं लोग। और इसका जो इसमें जो चावल बनता है वो भी अद्भुत होता है, उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। और एक इसी का भाई है जिसको कहते हैं, यह कसरा वह है तौला। अच्छा, वो तौला जो है तांबे का होता है, वो भी तकरीबन इससे दुगना होता है। उसमें बनता है भात। अच्छा, भात मतलब चावल। इसमें बनी दाल और उस तांबे के तौले में बना भात। अच्छा, और लोग गाँव के लोगों को खिलाया जाता है, अद्भुत स्वाद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आग में बनी हुई कोई चीज़, लकड़ी में बनी हुई कोई चीज़, उसका अलग स्वादिष्ट स्वाद टेस्ट निकल के आता है, टेस्ट पैदा होता है। अच्छा, हुक्का वगैरह पहाड़ पे वैसे तो मैंने देखा नहीं, अभी यहाँ हुक्का दिखाई दे रहा है, ये शो पीस है कि लोग मतलब इसमें पिया जाता था? हमारे दादाजी लोग अच्छा इसका यूज किया करते थे। इसमें एक मजे की चीज देखो, ये है आग को पकड़ने वाली चीज, चिमटी। ये सब उसी जमाने के, आज से करीब 80 साल 90 साल 100 साल पुरानी ये चीजें हैं। इसमें क्या होता था, जो ज़्यादा खाने पीने वाले लोग होते थे तो उसके लिए सीधे इस, आपको इधर देखो जगह पर, यहाँ तो इसमें डाल दिया करते थे, ठीक है, और उसका ये सीधे सीधे सेवन करते थे इसके जरिए। और जो नौसिखिए होते थे जरा संभ्रांत किस्म के, वो इसको डालने के बाद, ये देखिए इसमें इसमें फिक्स हो गया ये, इसको डालने के बाद इसमें वो मसाला डालते थे, तंबाकू संबाकू जो भी है, और उसके बाद जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं फिर इसको यूज करते थे। तो ये पुरानी चीज है, दादाजी के टाइम की चीज है, ये कांसे का बना है। अच्छा, ये भी कांसे का है, कांसे का इस्तेमाल बहुत होता था पहले, उस जमाने में कांसे का इस्तेमाल बहुत ब्रॉन्ज होता था। पुरानी चीज है हमारी। और एक सबसे बड़ी चीज आपको दिखाता हूँ, शायद आप लोगों की नजर इसमें पड़ी नहीं, ये है लकड़ी का बना हुआ। इसमें अभी तो जो भी है ये लकड़ी का है, एक लकड़ी का, इसमें दही जमाया करते थे। और ये किस लकड़ी का बना है समझ में नहीं आता है, तुन या शीशम
हाँ लकड़ी जैसे नहीं बता सकते कुछ है ये, लेकिन ये चीजें भी अब दुर्लभ हैं, जिसमें दही मथा जाता था। ओके तो भैया चाचा जी ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी और मैं मजाक कर रहा था कि कोई खली का घड़ा या खली का इससे पानी वानी नहीं पीता था, बट इसका इतिहास यही है कि दाल वगैरह बनाते हैं इसमें। तो ये सब देख के आपको अच्छा लगा होगा, देखिए क्या बढ़िया सेटअप कर रखा है, बाहर आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं और बहुत ही बढ़िया सेटअप है, रूम देख सकते हैं आप, मतलब अगर आते इधर आके आपने कोई शाम बिताना चाहे बहुत बढ़िया। हाँ स्वागत। हाँ जी चलो थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई चीज़ें भी देखने और जानने को मिली होंगी। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे किस तरह से हमने गांव के चूल्हे में आलू बनाए और फिर वो तीन नहीं बल्कि ढाई मंजिला घर देखने के लिए गए। गांव में अलग तरह की लाइफ है और काफ़ी सुकून की ज़िंदगी है जो हर कोई जीना चाहता है। होप ये वीडियो देखकर आपको अपने भी गाँव की याद आई होगी। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।